मूसलाधार बारिश में जीवन हुआ अस्त व्यस्त, यातायात सेवाएं हुई ठप। थाने मनपा कमिश्नर ने लोगों से की अपील। राह टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगातार मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, चाहे मुंबई हो या फिर ठाणे, बारिश के पानी से जलमग्न हो गया है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि कहीं रास्तों पर पेड़ गिर गया तो किसी के घरों में पानी भर गया है। मुंबई महानगर पालिका और ठाणे महानगर पालिका ने लोगों से बारिश में बेवजह घरों से निकलने के लिए मना किया है। बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी है। ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर विपिन शर्मा ने भी लोगों से घरों में रहने का आह्वान किया है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई और ठाणे में भारी बारिश हो रही है और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। तेज़ हवाओं के साथ ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 12 घंटों में 294 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले 46 साल की रिकॉर्ड तोड़ दी है। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, यानी कि भारी बारिश में यातायात ठप हो गई है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बारिश की वजह से फंसे हुए हैं, अपने घर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर विपिन शर्मा ने क्या अपील की है लोगों से, सुनिए। ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में पिछले 3 दिन से काफी भारी बारिश हो रही है। तो ठाणे की जो भौगोलिक परिस्थिति है, एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाड़ी है, और यहाँ पे अगर एक घंटे में 40-45 मिलीमीटर के ऊपर बारिश होती है तो हमारे जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें कुछ देर के लिए वाटर लॉगिंग होती है। तो हमारी ठाणे महानगर पालिका की पूरी यंत्रणा सतर्क है, सब लोग फील्ड में हैं, सारे असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, फायर ब्रिगेड, पूरी यंत्रणा हमारी इस समय फील्ड पे है। 2 दिन में कुछ पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं, वाटर लॉगिंग की घटनाएं हुई हैं, और उसको हमने सबको तुरंत अटेंड भी किया है। कल भी रेड अलर्ट घोषित हुआ है ठाणे में, तो ऐसे में मैं ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र के सब सर्वसामान्य नागरिकों से, ठाणे महानगर पालिका की तरफ से अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई में सब नागरिकों ने बिना कारण घर से बाहर निकलना टाला और हमारे साथ सहकार्य किया, इसी तरह कम से कम जब तक रेड अलर्ट है तब तक बिना कारण घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में ही रहें, बहुत जरूरत हो तभी बाहर निकलें, जिससे कि बारिश के कारण होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस ना करना पड़े। और जब तक ये रेड अलर्ट है तब तक हमें थोड़ी सावधानी एहतियात बरतनी होगी। और इसके अलावा कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम भी शुरू है 24/7, वार्ड लेवल कंट्रोल रूम्स भी हमारे सारे शुरू हैं, तो हमें तुरंत आप उसकी इन्फॉर्मेशन दें, हम तुरंत उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे 24/7। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ठाणे महानगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से बारिश से निपटने के लिए सज्ज है। आप हमारी इतनी जरूर मदद करें कि बिना कारण घर से बाहर ना निकलें और हम लोग मिलके ये जो 1-2 दिन रेड अलर्ट के हैं इसको हम टॉलरेट करेंगे और ये भी समय निकल जाएगा, और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।